अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी कृष्ण मिशेल ने किया बड़ा खुलासा। ईडी के मुताबिक मिशेल ने लिया मिसेस गांधी का नाम। प्रवर्तन निदेशालय ने साफ नहीं किया कि मिशेल ने किस संदर्भ में लिया मिसेस गांधी का नाम। आज पटियाला हाउस कोर्ट में हुई कृष्ण मिशेल की पेशी। ईडी ने और मांगी रिमांड। दुबई से प्रत्यर्पण के जरिए लाने के बाद मिशेल को अब तक नहीं मिली है जमानत। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का आरोप, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में दुबई से प्रत्यर्पण कर लाए गए आरोपी कृष्ण मिशेल पर सोनिया का नाम लेने के लिए डाला जा रहा है दबाव। साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया था कि किस तरह सरकारी एजेंसी एक परिवार को नाम नामित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। गाजीपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस के झूठ और बेईमानी से रहे सतर्क किसान, कांग्रेस के पापों की वजह से गरीबों और कर्जदार। पीएम मोदी का आरोप, 2009 में किसानों पर था 6 लाख करोड़ का कर्ज, यूपी सरकार में सिर्फ 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया सीधा वार, बोले चौकीदार की वजह से उड़ी हुई है चोरों को की नींद, उन्हें सही जगह भेज कर लूंगा दम। चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की रातों की नींद उड़ गई है, एक दिन ऐसा आएगा इन चोरों को सही जगह तक ले जाएगा। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया के लिए किसानों को लाइन लगाना पड़ गया। पीएम मोदी ने गाजीपुर में सुहेल देव पर जारी किया डाक टिकट। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का भी पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। सीएम योगी ने मोदी सरकार से यूपी को 13 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स मिलने का दिया हवाला, 2019 के लिए मांगा जनता का आशीर्वाद। 2019 में भी 2014-2017 से बड़ी विजय उपलब्ध कराने की तैयारी, जाति मत और संप्रदाय से ऊपर उठ करके दिलाने की तैयारी करनी होगी। 2 महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरे पर पीएम मोदी, कई संस्थानों के उद्घाटन का कार्यक्रम। राज बब्बर ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, चौकीदारी पर फिर उठाए सवाल, कहा जब पीएम को देनी पड़े सफाई तो समझो दाल काली है और दाढ़ी में तिनका है, एक कहावत का दिया हवाला। इसका मतलब ये कि दाल में कहीं काला है और कहीं ना कहीं तो तिनका आ गया है, जिसकी वजह से अपनी सफाई देनी। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने भी पीएम मोदी पर किया वार, बोले दूसरों पर उंगली उठाकर खुद की चोरी से नहीं बच सकता चौकीदार। गाजीपुर में पीएम मोदी की रैली का योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया बॉयकॉट, रैली में नहीं गए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, कार्यक्रम में जारी होने वाले डाक टिकट पर सुहेदेव के नाम से जान पूछ कर हटाया गया राजभर। ओपी राजभर का आरोप, बीजेपी का सहयोगियों से यूज एंड थ्रो जैसा है रवैया। चुनाव के समय तो वोट ले लिए हैं, यूज एंड थ्रो, चुनाव के समय जब वोट की जरूरत है तो गठबंधन कर ले, चुनाव के समय तो वोट ले लिए हैं, यूज एंड थ्रो। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी पीएम मोदी के गाजीपुर में होने वाले कार्यक्रम से काटी करनी, दिल्ली एयरपोर्ट से लौटी वापस। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने यूपी में सरकार के हर कार्यक्रम से खुद को किया दूर, एनडीए में टिकट बंटवारे में फंसा पेच। भूटान दौरे पर आए प्रधानमंत्री लातेई शेरिंग ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भद्रक में ली की पद यात्रा, ढोल नगाड़े के साथ निकले बीजेपी कार्यकर्ता। रिम्स जाकर लालू से मिले उपेंद्र कुशवाहा, ठोकी ताल, 2019 में दिल्ली की गद्दी से पीएम मोदी को हटाएंगे, झारखंड बिहार में सारी सीट जीतेगा महागठबंधन। तेजस्वी ने किया दावा, 2019 में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित। जबलपुर में कमलनाथ ने के मंत्री लखन घनघोरिया के स्वागत समारोह में टूटा मंच, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं।
सतना में कमलनाथ के मंत्री कमलेश्वर पटेल के नए अफसरों को दी धमकी, कहा बदल चुके सरकार आदेश को अनसुना करने वाले अफसरों को दिया खाया जाएगा बाहर का रास्ता। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लहराया आईएसआईएस का झंडा, नकाबपोश शख्स ने लहराया झंडा। जामिया मस्जिद में ही अलगाववादी मीरवाइज देते हैं तकरीर, बगदादी का झंडा लहराने के दौरान कुछ लोग नकाबपोश को नीचे उतारने की कोशिश करते दिखे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। पुलवामा में मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी पर जवानों ने मनाया जश्न, नए साल में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों जारी किया अलर्ट। जम्मू बस स्टैंड के पास कम तीव्रता का ग्रेनेड धमाका, कोई घायल नहीं। असम के बोगीबील ब्रिज पर बेहद दर्दनाक हादसे की तस्वीर आई सामने, दौड़ते बच्चे की गाड़ी के नीचे आने से हुई मौत। बोगीबील ब्रिज पर गाड़ी रोककर खड़े थे कुछ लोग, इसी दौरान 7 साल का बच्चा रोड के दूसरी ओर दौड़ पड़ा, तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ गया। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू ट्रक हाईवे से स्लिप करके नीचे कॉलोनी में खड़ी कार पर गिरा, गनीमत से उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। सूरत के पांडेसरा इलाके में अचानक पलटा फर्राटा भरता स्कूल ऑटो, एक बच्चे की मौत, 4 घायल। यूपी के कन्नौज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, एक ऑटो चालक शव को घर पर फेंक कर हुआ फरार। दार्जिलिंग में जमकर हुई ओलावृष्टि, पर्यटकों के फंसे 400 वाहन निकालने पहुंची सेना। 10 साल बाद हुई दार्जिलिंग की बर्फबारी ने पर्यटकों का मन मोहा। सिक्किम के गंगटोक नाथुला चुंग में भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में ताजा बर्फबारी ने सब कुछ ढका, -3 डिग्री पारे में जमे झरने नदी नाले। श्रीनगर में पारा -7.7 डिग्री तक पहुंचा, अनंतनाग और लद्दाख में दरिया और नदियां जमी। नाथुला में बर्फबारी में फंसे 2500 सैलानियों को भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, दवा खाना और गर्म कपड़े मुहैया कराए। कड़ाके की ठंड के बीच गोरखपुर में रैन बसेरे में दिखे बेहतर इंतजाम। ट्रायल पर प्रयागराज पहुंची सेमी हाई स्पीड ट्रेन, 6.5 घंटे में तय करेगा इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह चेयर कार है, हर कोच में सीसीटीवी की सुविधा। मुंबई में कमला मिल कंपाउंड के सामने एक निर्माणाधीन इमारत में लगी आग, जल्द पाया गया काबू। ठंड के बीच हरियाणा में स्वाइन फ्लू की दस्तक, हिसार में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की मौत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की अपील, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अभिवादन में लोगों से करें नमस्कार। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद नेवी के 2 जवानों का लाया गया पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। भरतपुर में शहीद अजीत सिंह को 6 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि। सोहराबुद्दीन और तुलसी एनकाउंटर में सीबीआई कोर्ट से बरी होने पर पुलिसकर्मियों ने उदयपुर में मनाया जश्न, पार्टी में पहुंचे आईजी दिनेश एमएन। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा, 7 लोगों की गई जान, हादसे में 5 लोग घायल। असम के जंतिया हिल्स में एक अवैध खदान में पिछले 16 दिनों में फंसे हैं 15 मजदूर, एनडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू मिशन जारी। मुजफ्फरपुर में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। अलवर में हुई कौकशी की वारदात, पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, 2 ट्रक चालकों को हिरासत में लिया। काजीरंगा में पुलिस ने 7 तस्करों को किया गिरफ्तार, बाघ की हड्डियां और खाल बरामद। हमीरपुर में 2 लड़कियों ने कोर्ट परिसर में रचाया समलैंगिक विवाह, तमाशबीनों का लगा ताता। गोंडा के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद के लोगों के लोनी इलाके में मिला शव। बिजनौर पुलिस की छापेमारी में 25 लाख का इलेक्ट्रिक वायर बरामद, कबाड़ी बाजार में हुई छापेमारी। रेलवे ट्रेन की खराबी जांचने के लिए अब रोबोट का लेगी सहारा। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 3 शूटर खिलाड़ियों की कार का शीशा तोड़कर चोरी, बैग में रखकर कारतूस और दस्तावेज गायब। अंधविश्वास के चलते खंडवा में महिला ने की नवजात बेटी की काटी उंगलियां, बच्चे की मौत। संबल में किसान यूनियन के लोगों ने बिजली विभाग में किया उपद्रव, पुलिस बल भी मौके पर तैनात। हाजीपुर में नक्सलियों ने कारोबारी पर के घर पर बोला हमला, दर्जनों राउंड फायरिंग में कारोबारी की मौत। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार बस ने कई कारों को मारी टक्कर, कई राहगीर घायल।
बुलंदशहर हिंसा केस में कबूलनामे से पलटा मुख्य आरोपी प्रशांत नक, इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने से किया इनकार। यूपी के उन्नाव में गंगा घाट नगर पालिका में चोरों ने सरकारी दस्तावेजों पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। यूपी के फतेहपुर में पीड़ित की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, रिटायर्ड सीएमओ और संचालक को पुलिस ने भेजा जेल। सीतापुर के बट्सगंज मोहल्ले में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों के दो गुटों में भिड़ंत। छपरा में दरोगा की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, फरियादी से की गाली का लॉन्च। गुरुग्राम में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, नकाबबंदी नाकेबंदी कर चार बदमाशों किया काबू। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर बदमाश, चेकिंग के दौरान धरे गए। अपने ही अपहरण की साजिश, पैसे मांगने वाले छात्रों के दो दोस्त गिरफ्तार, नक्शे में रचा षड्यंत्र। खूंटी में 1 लाख का इनामी नक्सली सहयोगी के साथ गिरफ्तार। समस्तीपुर में युवक ने प्रेम प्रसंग में किया आत्महत्या, मौत के लिए लड़की के परिजनों को जिम्मेदार ठहराया। सीतामढ़ी में कन्हौली थाने पर लोगों ने किया हमला। गोरखपुर में आईजी के निरीक्षण में हथियार हैंडल करने में पुलिस फेल, आईजी ने लगाई फटकार। श्योपुर में खाद लेने पहुंचे किसानों का जमकर हंगामा। गाजियाबाद में किसानों ने यूपी गेट पर लिखा किसान क्रांति गेट, 23 सितंबर को यहां किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। प्रयागराज में मलिन बस्ती में रहने वाले ने ट्रेन रोक कर किया प्रदर्शन। मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में विजय पथ पर बड़ी टीम इंडिया, जीत से सिर्फ 2 विकेट पीछे। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में खोए 8 विकेट, लक्ष्य से अभी भी 141 रन दूर। दूसरी पारी में मार्श ने बनाए 44 रन, कमिंस 61 बनाकर क्रीज पर। जडेजा ने झटके 3 विकेट, ईशांत शर्मा और शमी को मिला 1-1 विकेट। दूसरी पारी में भी चमके बुमराह, 2 विकेट झटके। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को मुंबई के रस्तों में देखकर अफवाहों का बाजार गर्म। बी टाउन में जारी है हॉलिडे सीजन, प्रियंका नेक इंग्लैंड में, सोनम आहूजा बाली और अजय काजोल थाईलैंड में मना रहे छुट्टियां। सर्विस टैक्स चुकाने में नाकाम अभिनेता महेश बाबू के खाते, जीएसटी विभाग ने किया सीज। कुल 18.5 अली चैपिन का पुराना घर म्यूजियम में हुआ तब्दील, 25 साल तक इस घर में रहे चार्ली चैपिन। न्यू मेक्सिको में अब तक क्रिसमस की रंगत, लेकिन बर्फबारी ने मूड किया खराब। न्यूयॉर्क में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने से जगमगाया आसमान, हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं, लेकिन पूरा आसमान नीला, लोगों को लगा यूएफओ का हमला। बांग्लादेश में चुनावी अभियान खत्म, 30 दिसंबर को होगा चुनावी दिन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।